रायगढ़ के 6 टॉपर बेटियों ने हेलीकॉप्टर से भरी सफलता की उड़ान और सीएम भूपेश बघेल ने बच्चियों से किया था वादा और 10वीं और 12वीं की में बच्चियों ने किया था टॉप। सहकारी बैंक के अध्यक्ष पहुंचे रायगढ़ और सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर दिए सभी सवालों के जवाब। जगदलपुर के बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पार्टी के जनसंपर्क अभियान में हुए शामिल और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कोंडागांव में माकड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता और मवेशियों से लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा और 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धमतरी में पुलिस ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई और घेराबंदी कर जुआरियों को किया गिरफ्तार और मौके से 4 आरोपी हुए फरार। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर रायगढ़ से है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड कराने का अपना वादा आज पूरा किया। बता दें कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में रायगढ़ जिले के 6 टॉपर्स बच्चियों ने भी इस मौके पर जॉय राइड का आनंद लिया। वहीं इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचकर सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर रायगढ़ पहुंचे और जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनके बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में किसानों के सहूलियत के लिए रायगढ़ बरमकेला पलथल गांव और जशपुर में एपेक्स बैंक के नए भवन के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने भूपेश बघेल पर भी नेतृत्व की तारीफ करते हुए सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और भूपेश सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों की भी चर्चा की। और अपेक्स में जो चेयर होने के नाते चार ब्रांच यहाँ पर जो अपेक्स बैंक के चार ब्रांचों में भूमि पूजन करने के लिए वहाँ पर हमने भवन सेंक्शन किया, ब्रांच भवन, उसके भूमि पूजन के उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी बरमकेला में भूमि पूजन करके आया और रायगढ़ में अभी है, कल पत्थल गांव में है और जसपुर, 4 भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, बरसात के पहले हमारी कृषि गतिविधियां हैं, किसानों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, किसानों की कठिनाइयां हैं उन बातों को जानने के लिए भी मैं यहाँ पर आया। धान खरीदी का जो काम हम लोगों ने किया, धान खरीदी की व्यवस्था इस साल ऐतिहासिक हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सारी समितियाँ 0 शॉर्टेज में। खबर बहर से है जहां मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बहर तहसील अध्यक्ष और सार्वजनिक हनुमान व्यायाम शाला बहर के संचालक देवदत्त धानेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर फलों का वितरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चिखलेस पंच तिलक और सुनील धानेश्वर जीतू उस राटे और भानु प्रताप सहाड़ा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खबर मंदसौर से है जहां ग्राम पंचायत गुराड़िया में लाडली बहना योजना में पहली किस्त अंतरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता मौजूद रही और जिसमें कलश यात्रा भी निकाली गई। में लाडली बहना योजना के अंतर्गत संबोधन रखा गया है और जिसमें उपस्थित हमारे यहाँ के इनकी माली सुरेश जी ढिल्ले साहब और कमलेश जी पाटीदार, सचिन साहब श्री रामचंद्र सिंह चौहान, सभी की उपस्थित में कलश यात्रा निकाली गई है और सभी माता बहनाएं उपस्थित हुई थी। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी का
खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी के चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने व दो दिवसीय बत्सर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आए हैं और जहां महाराणा प्रताप चौराहे पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की हर वर्ग की जनता को ठगा है और धोखा दिया है। घोटाला, रेत घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, गौठान घोटाला, लोहा घोटाला, केवल और केवल घोटाले भूपेश बघेल की सरकार में हो रहे हैं। आज बस्तर का विकास पूरी तरह से रुक गया है, ठप हो गया है, चारों तरफ लूट मची है, भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ की हर वर्ग की जनता को 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और इसलिए हर वर्ग भूपेश बघेल से, कांग्रेस से नाराज है। इस सरकार को जल्दी से जल्दी लोग उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। निश्चित रूप से 2023 में कमल। खबर कोंडागांव से है, जहां थाना माकड़ी ने एक ट्रक से को संदेह के आधार पर रोका और लेकिन ट्रक चालक ने नहीं रुका। जहां पुलिस ने उसका पीछा किया और वहीं जब वह पकड़ में आ गया तो वह गाड़ी छोड़कर भाग गया था और जहां पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा है और वहीं ट्रक के जब तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी ही क्रूरता से मवेशियों को लाद कर लाया जा रहा था और जिसमें मवेशी बेहोश थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवरी में कुछ व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखकर मौके से 4 आरोपी फरार हो गए हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के निर्देशन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुरुद के देवरी खाड़ तरफ कुछ लोग द्वारा जुआ का फड़ बैठाकर खिला रहे हैं, जिसमें पुलिस कुरुद और क्राइम की टीम रेड की कार्रवाई की, जिसमें 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और 4ों छाती के रहने वाले हैं, जिसमें हरिश्चंद्र, फिरताराम, बलराम आरोपियों को कब्जे में लिया गया और उनके पास 11,000-11,500 रुपये ताश पत्ता और मैट बिछा हुआ जब्त की गई है और सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और सभी के सिम काउंट भी अलग से प्रतिबंधित। खबर बिलासपुर से, जहां रायपुर हाईवे मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में अबकारी में पदस्थ एक कर्मचारी की मौत हो गई है। बता दें कि दोपहर में वे अपनी निजी कार से में अपनी पत्नी भूपिका साहू के साथ बिलासपुर से रायपुर जाते हुए बीच में भोजपुरी टोल प्लाजा से पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और बताया जा रहा है कि अचानक कार के बैलेंस बिगड़ जाने से कार लंबे समय से कार जो है खंभे से टकरा गई और जिसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। खबर सारंगढ़ से है, जहां महानदी तटीय इलाके में बसे गांव से रेत माफिया बिना किसी लीज परमिशन के धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना एक घाट से भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही थी और जिसे हमारे साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया गया और जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए वही कोसीर के नायब तहसीलदार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और जिसके बाद तहसीलदार अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत जसपुर के घाट पहुंचे तो देखा कि पोकलेन से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और जहां तहसीलदार ने बिना देरी करते हुए पोकलेन को बंद कराया और जब्ती की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस प्रशासन के ऐसे कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रेता लेने पहला गाड़ी, हाँ।
हाँ 300 दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इन लोग भैया को। क्या नाम है? नितिन भैया। और कागज वागज मिल रहा आपको? नहीं, कोई कागज नहीं दे रहा। नहीं दे रहे हैं। एक दिन में कितने ट्रिप निकलता होगा यहाँ? यहाँ तो पहली बार आए हैं। मैं नहीं, अभी देखो आप कितना ट्रैक्टर लगा हुआ है। अभी बहुत ट्रैक्टर लगा सकते, 15-20। हाँ, मतलब दिन भर में 100 ट्रिप 200 ट्रिप मारते होंगे लोग। हाँ, क्या चीज से निकाल रहा है वो? जेसीबी से। घाट मलदा घाट दहीदा घाट में लगातार अवैध रेत उत्खनन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि इन क्षेत्रों में दौरा कर जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो उच्च अधिकारियों के निर्देश के परिपालन में ही आज करीबन 12 बजे मैं निकला था निरीक्षण के दौरान। तो निरीक्षण के दौरान जसपुर घाट में, महानदी में, एक पोकलेन मशीन हमको नदी में मिला हुआ। इसमें उसके द्वारा मैंने अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था, तो वो हमने पोकलेन मशीन जब्त किया हुआ है और गांव में ही जब्त करके ग्राम कोटवार के सुपुर्दनामा में दिया हुआ है। वाहन मालिक से बात हुई है, उसके द्वारा कहा गया कि अगर ये पोकलेन मशीन हम चलाते ले जाएंगे तो रोड भी खराब होगा और हमारे मशीन को भी नुकसान होगा। तो उसके द्वारा निवेदन किया गया कि हम ट्रेलर की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी जहाँ बोलेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो हमने उनको निर्देश दिया हुआ है। अभी तो फिलहाल ग्राम कोटवार के सुपुरनामा दिया हुआ है, जैसे ही वाहन मालिक के द्वारा ट्रेलर लाया जाता है वहाँ, तो गाड़ी को उस पर लोड करके थाने में लाया जाएगा, यहाँ कोसी थाना में। खबर बालोद से है, जहां जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम चिपरा में जियो टावर में रिपेयरिंग करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां टावर में चढ़कर काम कर रहे 2 कर्मचारी नीचे जमीन पर गिर गए और वहीं इस हादसे में 1 कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य कर्मचारी को मामूली चोटें आई है। वहीं घटना के बाद आनन फानन में दोनों कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 कर्मचारी फरमान खान की मौत हो गई। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में पांडुका में एक भालू ने 50 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया और इस दौरान भालू ने हाथ और चेहरे पर हमला किया और जहां शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भालू जंगल की ओर भाग निकला। हालांकि हमले में बुजुर्ग काफी ज्यादा घायल हो गया। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले के कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौक मुख्य बाजार में चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में सूचना पर एसडीओपी अजय भार्गव सहित कोतवाली टीआई अमित भदौरिया मौके पर पहुंचे और वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश में जुट गए। अब वहीं इस घटना ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जगदलपुर में बरसात से पूर्व निगम की सफाई योजना चौपट नजर आ रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि शहर में अभी तक बड़े नालों की सफाई का अभियान शुरू नहीं किया गया है, जबकि बरसात के पूर्व बड़े नालों की सफाई व्यवस्था रूटीन कार्य है। वहीं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने नगर कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि और महापौर सहित नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहीद पार्क के पास स्थित बड़े नाले से क्षेत्र का 30% जल बहाव होता है और आज यह बड़ा नाला पूरी तरह से कचरे में भरा हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि बीते साल इस लापरवाही का खामियाजा डेंगू बीमारी के रूप में शहरवासी भुगत चुके हैं, फिर भी नगर के कांग्रेस सरकार और निगम प्रशासन को कोई सुध नहीं है। खड़े हैं शहीद पार्क चौक के सामने और आप जो बजाती हुई नाली देख रहे हैं, वास्तव में ये नाली हमेशा रोज सफाई होने वाली नाली है, क्योंकि शहर का करीब करीब 30% जो बहाव है, जो गंदगी है, इसी नाली से होकर गुजरता है। परंतु आप देखिए, ये सब नालियां 10-10 दिन तक सफाई नहीं हो रही है। नगर निगम की 4-4 जेसीबी जो सफाई करने वाली है कंडम होकर पड़ी हुई है, उसको कोई बनाने वाला नहीं, पैसा नहीं है निगम के पास। हर बार वर्षा के पहले मार्च अप्रैल में ही तैयारी कर ली जाती थी और बड़े बड़े नालों की सफाई की जाती है, परंतु इस बार सिवाय महापौर सवेरे सवेरे घूमकर आज मेयर आयुक्त महोदय के साथ नालियों को दिखाते हुए फोटो खिंचा रही है, सफाई नदारत है। कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का गैंग लगा हुआ नहीं है। शहर जो है भगवान भरोसे है और इस बार अगर
तेज बारिश हुई है, तेज होगा तो पूरा शहर जलमग्न होगा, क्योंकि नगर निगम ने कोई भी तैयारी करके नहीं रखी हुई है। डेंगू, पिछले बार डेंगू के बारे में बहुत फोटो खिंचाए गए, कैजुअल्टी भी हुई, दर्जनों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों लोग यहां से बाहर शिफ्ट हुए थे अपने तबियत को लेकर, परंतु आज भी निगम सोया हुआ है। क्या डेंगू के संबंध में भी कोई तैयारी नहीं है, और तैयारी है तो कागजों में है और पैसों की भरासाई में। जगदलपुर शहर से लगे गांव नगरनार में विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय मितानिन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक रेखचंद्र जैन का मितानिनों ने स्वागत किया और मितानिनों ने स्मृति चिन्ह स्वरूप उन्हें पौधा प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक रेखचंद्र जैन ने अपने संबोधन में कहा कि मितानिनों का योगदान राज्य के साथ साथ बस्तर के विकास में अधिक महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर मितानिन ने जिस प्रकार जनता की सेवा की है, उसकी सब जगह सराहना हो रही है। बस्तर के विकास में मितानिनों की भूमिका उल्लेखनीय है। इस मौके पर मितानिनों ने भी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया और पेंशन न मिलने की शिकायत भी की। वहीं विधायक रेखचंद जैन ने मितानिनों की पूरी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। बस्तर जिले के लोहंडी गुरा व विकासखंड के सुदूर और अति संवेदनशील हर्रा कोडरे क्षेत्र के निवासी नाबालिग लड़की देव की अल्प आयु से मोतियाबिंद के कारण ठीक से देखने में असमर्थ थे। देवकी के आंखों के ऑपरेशन के बाद अब सब कुछ ठीक ढंग से देख पा रही है और दरअसल पिछले दिनों बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम देवकी के ग्राम में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों से बातचीत के दौरान देवकी की मां ने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी सही ढंग से देख नहीं सकती है और उनके पास देवकी के इलाज के लिए रुपए भी नहीं है, जिसके बाद कलेक्टर ने नेत्र विशेषज्ञ से देवकी के आंखों की जांच करवाई और दाईं आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। देवकी की आंखों की रोशनी लौटने पर देवकी के माता पिता भी बहुत खुश हैं और उन्होंने कलेक्टर के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। जगदलपुर विकासखंड के अंतर्गत गांव नगरनार और गांव मारपाल में वार्षिक मड़ई मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत ग्राम नगरनार में जलनी माता और ग्राम मारपाल में कोदई माता की पूजा अर्चना कर मेले का आयोजन किया गया। दोनों गांव में आयोजित मड़ई मेले में शामिल होकर विधायक रेखचंद जैन ने देवगुड़ियों में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं देवगुड़ियों में विधायक द्वारा लोगों के साथ मिलकर माता का जयकारा लगाया गया। साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने मेले में आए अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना कर समस्त वहीं रस्म के अनुसार दान किया। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहा करनी सेना का प्रदर्शन शनिवार शाम को समाप्त हो गया। इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया था। आपको बता दें कि करनी सेना द्वारा महितपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के समक्ष धरना देकर भूख हड़ताल की जा रही थी। वहीं शनिवार शाम को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में एडिशनल SP ने बताया कि थाना प्रभारी के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच 1 सप्ताह में करा ली जाएगी, जिसमें वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि यदि दिए गए समय में थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अगला डेरा महितपुर में डाला जाएगा। समय मांगा है साहब ने और कहा है कि वो जो भी पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करी है तो हम सब पीड़ित ही लोग हैं। 8 दिन के समय में यदि वो हमारी बातों को पूरा नहीं करते तो 9वां दिन हमारा है और हमको अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जिससे लड़ाई है, जो अन्यायी अत्याचारी कर रहा है उसके खिलाफ वहाँ जाके लड़ेंगे। मैं तो अगला पड़ाव हमारा मैं थाने में क्या इसके साथ थाने में रहेंगे कुछ तो आपकी तरफ से की क्या प्रोसेस किया जाएगा और कुछ कर लेगी। 8 दिन का समय मांगा है, उसमें जो भी लाइन है या जो भी सस्पेंशन है जिस प्रकार से वो पाए जाएंगे पहले तो उनको लाइन करेंगे, लगेगा उनको कि नहीं सस्पेंशन भी होगा। करनी सेना के
समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो थाना प्रभारी महितपुर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आवेदन और जांच के लिए कुछ बिंदु एसपी साहब और हमारे समक्ष लेते हैं। उन सारे जांचों को हमने गंभीरतापूर्वक सुना है और बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको टाइम दिया है 7-8 दिन के अंदर में कार्रवाई करके जो जांच पे सारगर्भित कार्रवाई है वो की जाएगी। सागर में किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए सोसाइटी केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट। सोसाइटी के प्रबंधक देशराज लोधी और उनका पुत्र मिलकर इस सोसाइटी के संचालन कई वर्षों से करते आ रहे हैं और हर बार प्रदेश के अन्नदाताओं को अपनी फसल बेचने के लिए रिश्वत और अभद्र व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। सिहोरा कृषक सोसाइटी केंद्र में कई ग्राम के किसान अपनी गेहूं, चना और मूंग जैसी फसल अच्छे दामों पर बिके, इसलिए ये किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। बता दें कि सिहोरा सोसाइटी के प्रबंधक और उसके पुत्र पर 11 लाख के गबन का एफआईआर दर्ज है, लेकिन फिर भी पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे कि किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। समिति प्रबंधक देशराज सिंह, सबसे पहले इनकी लड़का है जो रविशंकर, उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी ने अभी सस्पेंड किया है दुकान से सस्पेंड किया है, तो वो दुकान उसकी नष्ट हो चुकी है क्योंकि ये कालाबाजारी कर रहा है। और दूसरा ये है कि एक किसान का 17 बोरी गेहूँ 4 साल पहले इसने चोरी की थी गेहूँ की, और उस पर एफआईआर भी है और उस एफआईआर पर आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। 1722 की घटना है, 20 की घटना है, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ था गेहूँ उपार्जन केंद्र में। लगभग हम उसमें 20 आदमों के 9 आदमों के नाम दर्ज रिपोर्ट थी और 20 आदमों के वाहन वगैरह पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश से लाया हुआ गेहूँ था। कौन सी समिति थी? ये सिहोरा सोसाइटी समिति से, उसी में 4 केंद्र की मतलब सब समितियों का मैं गमन था। ठीक है, सबके ऊपर FIR दर्ज है और सभी मुलजिम है। पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव है कि वो चालान किस नहीं कर रहे हैं, 3 साल हो गए। उसमें 3 आदमों की जमानत भी हुई है माननीय हाईकोर्ट न्यायालय से, और मतलब कोई उसमें दबावश को चालान पेश नहीं किया। खबर पिथौरा से है, जहां 10 करोड़ का स्थानीय CHC सरकारी अस्पताल तमाम सुविधाएं होने के बावजूद बद से बदतर हालत में है और अस्पताल में सभी सुविधाएं होते हुए मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। यहां लाखों करोड़ों की मशीनें, जनरेटर, ECG मशीन, सोनोग्राफी, एक्सरे आदि सभी मशीनें बंद पड़ी है। न तो इन्हें ऑपरेट करने वाला कोई है और न ही मशीनों का उपयोगी बनने के लिए कोई उच्च स्तरीय प्रयास किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि यहां डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते हैं और जिनकी वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। हमने आए थे इंजीनियर, उसने करवाया है, चेक करवाया है, वो बन नहीं पाएगा ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, हाँ, किसी ने बताया कि सोलर पैनल से भी संचालित होता था, तो क्या सोलर पैनल में कुछ प्रॉब्लम है या और क्या कारण है? 7 KV का है बता रहे हैं जनरेटर, और कब से कितने साल से खराब है ये 30 बिस्तर वाले में? हमारे पास इसको तो हमने फिलहाल हमने 1 साल पहले ही जांच करवाया था जी, खराब बताया जी। और सोलर पैनल हम लगा हुआ है में जी, जो कि आधी तूफान के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, प्रॉपर। क्या आपने उच्च स्तरीय कंप्लेन किया कि जनरेटर काम नहीं कर रहा है 30 बिस्तर में, मरीज हलाकान है? तो क्या अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया 1 वर्ष में जनरेटर के लिए? सोलर पैनल है उसके, सोलर की अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। सोलर पैनल भी उखड़ गया है, टूट गया है, ऐसा कुछ बता रहे हैं? पूरी तरह से नहीं, क्षतिग्रस्त है, उसको काम कर रहा है, इसके लिए भी हमने लिखा हुआ है और
प्रॉपर डिपार्टमेंट को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी लिफ्ट बंद है और जो भी जनरेटर बंद है या जो भी पावर सप्लाई की बात है, जैसे एसी लगे हुए हैं प्रसूति कक्ष में, लेबर कक्ष में, तो ये जो पावर सप्लाई है वो बिजली विभाग का प्रॉब्लम है, तो क्या आप ऑथराइज न है बिजली विभाग को संज्ञान में लाने के लिए कि पावर सप्लाई वोल्टेज ज्यादा दिया जाए यहाँ पे, जो पावर कम आ रहा है पावर सप्लाई और एसी बंद है? जी हाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।